हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, और फिगर ऑफ स्पीच में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं पेपर में, सबको मैं आज इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी, और अच्छे से हम लोग सारे फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे एंड आपको इस वीडियो के एंड तक सारे याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, केवीएस, यूपीटेट, DSSSB, या आप कोई भी ऐसे एग्जाम देख लो जहां पे आपका इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, सबके लिए ये वीडियो इक्वल इम्पॉर्टेंट है। पहली बात ये मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट है वो कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम इसको पढ़ें या ना पढ़ें, तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, डोंट स्किप दिस वीडियो। एंड आप नोट्स एंड PDFs के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, सो चलिए फिर फाइनली वीडियो की शुरुआत अब हम करते हैं, एक एक करके सभी को जानेंगे, बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हम फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं, ये होता क्या है। तो देखो, इसका यूज क्यों किया जाता है, किसी भी बात को कहने के तरीके को अच्छा बनाने के लिए, या आप किसी सिंपल सी बात को अगर बढ़ा चढ़ा के इफेक्टिव बनाना चाहते हैं अपनी बोली गई बात को, तो वहां पे हम यूज करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि ही रेन फास्ट, जैसे आप ये एग्जाम्पल देख रहे हो, यहाँ पे आपने बोला ही रेन फास्ट, उसने वो तेज दौड़ा, तो आपने यहाँ पे उसको लिटरल लैंग्वेज में बोल दिया, बिल्कुल लिटरल जो है अर्थ, उसी अर्थ में आपने बोल दिया कि वो तेज दौड़ा। लेकिन अगर आप इसी बात को अगर आप ऐसे बोले कि ही रेन लाइक द विंड, वो तेज दौड़ा, लेकिन यहां आपने बोला कि ही रेन लाइक द विंड, वो हवा की तरह दौड़ा, तो यहाँ पे हमने उसको डायरेक्टली फास्ट नहीं बोला है, हमने उसका कंपैरिजन कर दिया किसके साथ, विंड के साथ, कि वो हवा के जैसे दौड़ा है। ठीक है, बात को यहाँ पे क्या किया गया, बात की इफेक्टिवनेस को बढ़ा दी गई, तो इसे हम फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो जो भी हमारा फिगरेटिव लैंग्वेज होता है उसे हम अलंकार कहते हैं, और ये क्या होता है, नॉन लिटरल होता है। याद रखना, पेपर में आता है ये कि नॉन लिटरल लैंग्वेज कौन सा होता है, तो नॉन लिटरल लैंग्वेज का मतलब है कि जिसको आपने सिंपल ना बोल करके बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोला। तो फिगर ऑफ स्पीच का काम यही होता है इंग्लिश में, कि हम किसी भी बात को जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं या हम किसी को कुछ कहते हैं, वहां पे अपने शब्दों, अपने वाक्यों की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, शब्द की खूबसूरती को, वाक्य की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। जैसे अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण, जो ज्वेलरी है। लेकिन इसी तरह इंग्लिश में क्या है, फिगर ऑफ स्पीच का काम है कि जो भी लैंग्वेज है उसके सुंदरता को बढ़ाना, कही गई बात को उस क्या करना, इफेक्टिव बनाना। ठीक है, तो ये है हमारे फिगर ऑफ स्पीच। अब इसी क्रम में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच आता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट आता है सिमिली, उपमा, इसे हम हिंदी में कहते हैं। उपमा का मतलब क्या होता है, कि जब आप कंपैरिजन करते हो, तो सबसे पहले यहां आप क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना किन चीजों में होती है, दो अलग अलग चीजों में होती है। कभी भी दो सेम चीजों में तुलना हम नहीं करते हैं। दो अलग अलग जाति अगर है, दो अलग अलग जाति के लोग हैं, या दो अलग अलग जाति की वस्तु है, उसको उनकी तुलना हम करते हैं। तो सिंपली में सिंपली हम दो अनलाइक चीजों की तुलना करते हैं विद यूजिंग सम स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक एज या सच। ठीक है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आपके कहीं पे भी किसी सेंटेंस में लाइक है, एज है, सो है, और वहां पे कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पे आपका आंसर क्या बनेगा, सिमिली बनेगा। जैसे ही लुक्स लाइक अ फिश आउट ऑफ वॉटर, अब यहाँ पे ही कौन है, बॉय, किसी बॉय की तुलना मैंने किससे की, फिश से, मछली से की है। तो अब आप देखो, मछली अलग है, बॉय अलग है, इन दोनों की तुलना हम कर रहे हैं लाइक का यूज करके, तो ये क्या है, सिमिली है। Her eyes shine like diamonds. अब यहाँ पे eyes की तुलना किससे हो रही है, उसकी आंखों की तुलना diamond से हो रही है। या फिर she slept like a dog. वो like a dog का मतलब क्या है, dog की तुलना हम किसे कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, लड़की से, कि वो dog की तरह सोई। ठीक है, या फिर it was as big as an elephant. वो elephant की तरह big था, बड़ा था, तो
तो एज का यूज हमने किया। तो इस तरह से हम लाइक और एज का यूज करके दो अनलाइक चीजों में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो सिमिली क्या है आपका, सिंपली एक्सप्लिसिट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, यहाँ पे नोट पॉइंट आपको याद रख रहा है जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना सिमिली में होती है, कभी भी दो एक ही प्रकार की एक ही जाति की चीजों की तुलना सिमिली में हम नहीं करते हैं। जैसे एक इंसान की तुलना आप दूसरे इंसान से कर रहे हैं तो वहां पे वो सिमिली नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज एज गुड एज रमेश, वो किसके जैसा अच्छा है, रमेश के जैसा है। तो यहाँ पर ही और रमेश दोनों की तुलना यहाँ पे की गई है। तो जब हम सेम चीज का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे सिमिली नहीं होता, केवल कंपैरिजन होता है। सिमिली कब होता है, जब अलग अलग दो वस्तुएं हो। ठीक है, जैसे कि माय लव इज लाइक रेड रोज, तो लव की तुलना रेड रोज से की गई है, लाइफ की तुलना ड्रीम से की गई है, अलग है। या फिर वी बेयर हर लॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन द स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों में कंपैरिजन सिमिली में करते हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरा आता है हमारा मेटाफर। अब मेटाफर भी एक तरह का इम्प्लाइड सिमिली होता है। क्या होता है मेटाफर, इम्प्लाइड सिमिली होता है, क्योंकि मेटाफर पे भी हम कंपैरिजन करते हैं, मेटाफर में भी हम कंपैरिजन करते हैं, बट यहाँ हम लाइक और एज का यूज ना करते हुए उस चीज को वही चीज बोल देते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने बोला ही इज लाइक अ लायन, अगर मैं बोलू कि ही इज लाइक अ लायन, वो शेर के जैसा है, तो ये क्या है आपका, लाइक का यूज किया हमने, ये क्या है, सिमिली है। लेकिन अगर मैं बोलूं ही इज अ लायन, वो शेर है, तो ये आपका क्या हो गया, उपमा हो, रूपक हो गया, मेटाफर हो गया। तो मेटाफर क्या होता है कि जहां पे लाइक एज सो जो है वो ओमिटेड होता है, इसे इम्प्लाइड सिमिली कहते हैं। तुलना यहाँ हो रही है लेकिन डायरेक्टली उस चीज को आप वही चीज कह देते हो, जैसे ही इज अ लायन, वो तो शेर है, तो ये क्या है आपका, मेटाफर है। ठीक है, तो सिमिली और मेटाफर में बस यही डिफरेंस है कि मेटाफर में हम उस चीज को डायरेक्टली बोल देते हैं, लाइक और एज का यूज नहीं करते। जैसे मैंने बोला द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, अब कैमल को हमने क्या बोला, शिप ऑफ द डेजर्ट बोल दिया, हमने उसको शिप बना दिया, तो आपने डायरेक्टली उसको वो चीज बोल दी। जैसे फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, या फिर द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, जो न्यूज थी, जो एक खबर थी वो डैगर की तरह थी, खंजर की तरह थी। या फिर शी इज अ स्टार ऑफ आवर फैमिली, वो हमारे परिवार की कौन है, स्टार है, तो उसको क्या कह दिया, उसको स्टार बोल दिया, तो ये क्या है आपका, मेटाफर है। ठीक है, शी इज नाउ द सनेस्ट ऑफ हर डेज, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेटाफर में हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को वो चीज बोल देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे लाइक एज का यूज हम नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तीसरा आता है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण क्या होता है कि इसमें हम किसी भी नेचर या कोई भी कैरेक्टर है, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज है कि कोई वस्तु है, उसको हम एक ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। जब आप ह्यूमन क्वालिटी दे देते हो तो वहां पर आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम यूज करते हैं जैसे कि द फ्यूरियस स्टॉर्म, स्टॉर्म जो है, जो आंधी है, उसको हमने फ्यूरियस बोला, मतलब वो बहुत गुस्से में है। या द थर्स्टी ग्राउंड, जो ग्राउंड है, जो भूमि है, वो बहुत प्यासी है। तो ग्राउंड क्या थर्स्टी सच में हो सकती है, नहीं हो सकती ना, बट आप ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हो ऐसी चीजों को जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो नेचर वाली चीजें हैं या कोई वस्तु है, वहां पे हम उनको क्वालिटी दे देते हैं। जैसे यहाँ पर है द कार डांस्ड अक्रॉस द आईसी रोड, अब कार डांस नहीं कर सकती लेकिन यहाँ पे कार को बोला गया कि द कार डांस्ड। या फिर द एंग्री क्लाउड्स, क्लाउड्स कौन है, एंग्री यानी जो बादल है वो गुस्से में है। या फिर द स्टार्स इन क्लियर नाइट स्काई विंग्ड एट मी, जो तारे हैं वो उन्होंने मेरी तरफ विंग्ड किया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो वस्तुएं हैं उनको हम ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं। जैसे द ट्यूलिप्स नोडेड देयर हेड्स, अब ट्यूलिप्स क्या है, ये फूल है, इन्होंने अपने हेड को नोड किया, हिलाया, सिर हिलाया, तो क्या फूल सिर हिला सकते, नहीं। लेकिन हम यहाँ क्या दे रहे हैं, एट्रीब्यूशन दे रहे हैं, किसी ह्यूमन क्वालिटी को दे रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो जहां पे भी आप क्वालिटी देते हो वहां पे मानवीकरण अलंकार यानी पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब क्या होता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, जहां पे किसी भी स्टेटमेंट को आप बहुत ज्यादा ओवर
ओवर जनरलाइज कर देते हो या ओवर उसको एम्पथाइज कर देते हो, बहुत ज्यादा फोकस करना या बहुत बढ़ा चढ़ा के बात को एग्जैजरेट करना, वहां पे आपका क्या होता है, हाइपरबली होता है, अतिशयोक्ति से हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, दीज बुक्स वेट अ टन। अब यहाँ पे बुक्स का जो वजन है वो एक टन के बराबर बोल दिया, लेकिन मतलब इसके कहने का मतलब है कि बुक भारी है, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई एक टन के बराबर बुक है भाई, तो ये तो नहीं हो सकता, कितनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला है ना, तो ये आपका क्या अतिशयोक्ति है। दूसरा, शी हैड मिलियंस ऑफ फेसबुक एंड माई स्पेस फ्रेंड्स। उसके ना फेसबुक पे मिलियन फ्रेंड्स है, हम कहते हैं ना किसी किसी को भाई उसके इंस्टाग्राम पे तो मिलियन फॉलोअर्स है, बट मिलियन सच में नहीं होते है ना, तो ये क्या बात को कहने का तरीका है कि उसके ज्यादा फॉलोअर्स है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई मिलियन फॉलोअर्स है। या फिर यहाँ पर है, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वो जो है वो रोई ओशन ऑफ टीयर्स के साथ, ठीक है। या फिर 10,000 सॉ एट अ ग्लैंस, या फिर रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, हम कहते हैं ना भाई कि युद्ध में खून की नदियां बह गई, तो खून की नदियां सच में नहीं बही होगी, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी मौत हुई होगी, हो सकता है कि बहुत लोग मर गए होंगे युद्ध में, लेकिन यहाँ कहा गया कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोडेड, तो ये क्या है कि बात को कहने का तरीका जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करना, अतिशयोक्ति करना, हाइपरबली होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है कि वह अलंकार जिसमें दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाए जाते हैं। बहुत ईजी है इसको जानना। ऑक्सीमोरोन में क्या है कि आप कोई दो बात कह रहे हैं वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट है, लेकिन फिर भी आप उनको यूज करते हैं। नहीं आया समझ में, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला ही एक्ट्स वेरी नेचुरली, मान लो कि मेरा फेवरेट एक्टर है, कोई भी हो सकता है, मान लो कि राजकुमार राव मेरा फेवरेट है, ठीक है, राजकुमार राव जो है वो एक्टर है, मैंने बोला कि राजकुमार राव एक्ट्स नेचुरली, वो बहुत नेचुरल एक्ट करता है। तो अब आप इस वर्ड को ध्यान से समझो, एक्ट नेचुरली में कौन सा अलंकार है, ऑक्सीमोरोन है। क्यों है, क्योंकि मैंने बोला कि वो एक्ट करता है, एक्ट करना मतलब क्या है कि नाटक करना, और नेचुरली का मतलब क्या है, जो जिसमें एक्टिंग ना हो, जो बिल्कुल प्राकृतिक हो। तो ऐसे दो वर्ड्स जिनके परस्पर विरोधी गुण जो है ना वो एक साथ दिखाए जाते हैं, मैंने यूज तो कर लिया एक्ट नेचुरली, लेकिन एक्ट भी आ रहा है और नेचुरल भी आ रहा है, दो अलग अलग वर्ड्स है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला ओरिजिनल कॉपी, मैं कहती हूँ मुझे ओरिजिनल कॉपी दे दो इस बुक की, इस बुक की ओरिजिनल कॉपी का मतलब क्या है कि मैं ओरिजिनल भी बोल रही हूँ और कॉपी भी बोल रही हूँ, दोनों वर्ड आप देखो ध्यान से कितना अपोजिट है ना। या फिर फाउंड मिसिंग, ये भी अपोजिट है, मैं बोलती हूँ अलोन टुगेदर, तो ये भी है। या फिर मैं बोलूँ कि क्या हो सकता है, टुगेदर, या फिर स्मॉल क्राउड, हम कहते हैं कि देयर इज अ स्मॉल क्राउड, क्राउड भी है हम बोल रहे हैं, भीड़ भी है और स्मॉल भी बोल रहे हैं, ठीक है। क्राउड मतलब क्या, ज्यादा लोग, और स्मॉल क्राउड मतलब क्या, स्मॉल भी बोल रहे हैं, क्राउड भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ऑक्सीमोरोन होता है। आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जहां पर आपके जो वर्ड्स हैं, जब भी आप कोई सेंटेंस देखोगे तो वहां पर जो आपका इनिशियल साउंड होता है, जो आपके वर्ड्स होते हैं, वो कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन होती है। बहुत आसान है, इनको अनुप्रास कहते हैं हिंदी में, आपके कॉन्सोनेंट वर्ड्स की रिपीटेशन होना अनुप्रास होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, आपके बिगनिंग वाले वर्ड्स में आप देखोगे कि यहाँ पर देखो एप्ट एलिट्रेशन आर्टफुल, ए की रिपीटेशन हो रही है, ग्लिटरिंग थ्रू द ग्लूमी, तो जी की रिपीटेशन हुई, फ्यूरो फॉलोज, एफ की रिपीटेशन हुई, इसी तरह से पीटर पाइप्ड पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, अब आप देखोगे पी पी पी, पी की रिपीटेशन हो रही है। तो जहां पे आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन होती है, वहां पे हमारा आंसर क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। जैसे कि ऑल एडम एट इन ऑगस्ट वॉज एप्पल्स एंड आमंड्स, तो ए ए ए ए, ठीक है। या फिर बैरी बॉट अ बुक टू ब्रिंग टू द बैकयार्ड अ बारबेक्यू, तो ये क्या है, आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स के रिपीटेशन वर्ड्स के इनिशियल में होती है, वहां पे ऐसो आपका क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। और एलिट्रेशन का ज्यादातर यूज हम किस में करते हैं, टंग ट्विस्टर्स में करते हैं। जैसे पिटर पाइप्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो ये क्या है, आपके टंग ट्विस्टर्स हैं, तो हम नॉनसेंस वर्ड्स में या टंग ट्विस्टर्स में इनको यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? ध्वनि साम्य इसको हम कहते हैं। ध्वनि से क्या याद आ रहा है आपको? वॉवल्स, जहां पे साउंड आ जाए। तो एसोनेंस का संबंध किससे है? ध्वनियों से है। जहां पर वॉवल्स की रिपीटेशन होती है उसे हम एसोनेंस कहते हैं। वर्ड्स के इनिशियली या वर्ड्स के बीच में आप देखोगे, शब्दों के बीच में भी ध्वनि, अगर ध्वनि एक जैसी है, मैं सिर्फ ध्वनि का मतलब ये नहीं कह रही कि केवल ई ई ई ई होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है ई ए भी हो सकता है, ठीक है। अगर ई मुझे बोलना है तो ई का आई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपकी ध्वनि में समानता जहां होती है वहां पे एसोनेंस होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया हुआ है द मॉर्निंग वॉज कोल्ड विद बोल्ड। अब कोल्ड बोल्ड, कोल्ड बोल्ड, ओ ओ की आ रही है, ठीक है, तो ये एसोनेंस हो गया। वेट सेट, ए ए की आ रही है, ठीक है, ए की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे ओ की आ रही थी, तो आपके वॉवल्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे टेस्ट पेस्ट, टेस्ट पेस्ट, ए की आ रही है इसमें। फील रील, अब आप देखो फील, इसमें इसमें ई क्या है, बड़ा वाला डबल ई, और इसमें क्या है, रील। फील रील, रील में भी क्या आ रहा है, ई ई और ए आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो दोनों का ई मतलब है, ठीक है। या फिर शुड वुड, बॉयज टॉयज, गर्ल्स पर्ल्स, या फिर टैप नैप। तो ये जो आपके वर्ड्स होते हैं जो आपके वॉवल्स को रिपीट करते हैं, आपके ध्वनि रिपीट हो रही है वर्ड्स के बोलने में, या आप देखोगे तो अगर एक जैसा साउंड आ रहा है वहां पे आपका एसोनेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है ध्वनियात्मक अलंकार। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किसी भी चीज में जो ध्वनि है या जो भाव है उससे होता है। ये भी बहुत आसान है। जैसे आप अपने आसपास जो चीजें देखते हो ना, उनका जो साउंड होता है वहां पे आपका ओनोमेटोपिया होता है। एग्जाम्पल देते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि अगर आप वाटर की ध्वनि को देखना चाहें कि पानी की आवाज कैसे होती है, पानी, तो पानी के क्या है, प्लप प्लप ऐसे करके, या फिर स्प्लैश छप छपा, स्प्लैश स्प्लैश, या फिर विस्पर, किसी को फुसफुसाना, विस्पर करना, या फिर हिस हिस, ये स्नेक की आवाज है, या स्मैक, या फिर एनिमल की क्या होती है, क्वैक, या फिर वाटर की क्या होती है, स्प्लैश, या अगर मैं बोलूं ताली की आवाज, क्लैप, हम क्या बोलते हैं, क्लैप, या फिर यहाँ पर ढक्कन की आवाज, कोई कोई चीज खोलते हैं तो पॉप की आवाज आती है, पॉप। तो ये जो आप वॉइस देख रहे हो ना, ये जितने भी वर्ड्स मैंने बोला अभी, ये आपके एनोमोटोपिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी जानवर, किसी वस्तु से संबंधित जो शब्द होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हिस की आवाज किसकी है, या कुकड़ुकू किसकी आवाज है ना, या फिर बेल की आवाज क्या होती है, टिंग टिंग इस तरह से, है ना, या हॉर्न की आवाज क्या होती है, हॉन्ग। तो ये सब क्या है, आपका एनोमोटोपिया है। एनोमोटोपिया कहाँ होगा, जहां पे इनसे संबंधित जो वर्ड्स होंगे ना, वो आपका एनोमोटोपिया होगा, ठीक है। जैसे ट्रिंग ट्रिंग, ट्रिंग ट्रिंग किसकी आवाज है, टेलीफोन, तो एनोमोटोपिया हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट आता है हमारा एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है संबोधन। यहाँ क्या होता है कि कोई भी पॉइंट अगर है, वो क्या करता है, किसी को एड्रेस करता है। यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं ना, हम ऐसी चीज को एड्रेस करते हैं जो या तो डेड है, कोई मर चुका है, कोई एब्सेंट है, जो हमारे सामने नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा आइडिया है, उसको हम एड्रेस करते हैं। किसी को एड्रेस करने का मतलब क्या है, मैं आपको अभी क्या कर रही हूँ, एड्रेस कर रही हूँ ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो एपोस्ट्रोफी क्या होती है, जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को, डेड है कोई या कोई थिंग है, कोई आइडिया है, उसको आप एड्रेस कर रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो एक तरह से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ सॉल्टिट्यूड वेयर आर और आर द चार्म्स, या फिर यहाँ पे हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड, आई हैव कम टू टॉक टू विद यू अगेन। अब आप ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है। अब आप ये देखोगे एपोस्ट्रोफी का साइन भी है ये वाला, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो यहाँ पर क्या है कि ओके, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा जो एपोस्ट्रोफी नहीं होगा। एपोस्ट्रोफी सिंपल इतना मानो कि यहाँ आप डार्कनेस को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, है ना, हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड।
तो आप डार्कनेस से बात नहीं कर सकते, कोई इंसान नहीं है, लेकिन आप उसको एड्रेस कर रहे हो। यहाँ पे आपका क्या होता है, अपोस्ट्रॉफी होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म जो है वो एक ऐसा सेंटेंस जहां पर आप किसी अनप्लीजेंट चीज को कम अनप्लीजेंट बताने के लिए, वो चीज बुरी ना लगे, बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट ना लगे, उस चीज के लिए हम अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। थोड़ा और सिंपल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ही पास्ड अवे, हम बोलते हैं ही पास्ड अवे, तो हम किसी की मृत्यु पे ये नहीं बोलते हैं कि ही इज डेड, ही इज डेड नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं, ही पास्ड अवे। तो ये जो पास्ड अवे वर्ड है ना, ये हमने डेड के लिए बोला है, हम डेड नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये यूफेमिज्म है। आप उस चीज को बहुत ज्यादा गलत ना लगे किसी को, वो बहुत अनप्लेजेंट ना लगे, बेकार ना लगे, इस वजह से हम अलग वर्ड्स का यूज कर लेते हैं उसकी जगह पे। जैसे मैं बोलूंगी पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड, मैं बोलूंगी ही डाइड, नो ही डाइड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ही पास्ड अवे, क्योंकि वो कम ज्यादा कम बेकार लग रहा है, मतलब ठीक है, तो वो आपका यूफेमिज्म है। जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है, नेगेटिव पेशेंट आउटकम्स इंस्टेड ऑफ डाइड, ठीक है, या फिर पुट टू स्लीप इंस्टेड ऑफ यूथनाइज, या फिर बाइट द बिग वन इंस्टेड ऑफ डाई। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम ऐसे शब्दों को यूज करते हैं ना जो कम अनप्लेजेंट लगे, वहां पे यूफेमिज्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या होता है, जहां पर आप किसी किसी भी चीज को, किसी थिंग को, किसी कंसेप्ट को उसके नेम से नहीं बुलाते हो, आप ऐसी चीज से उसको संबोधित करते हैं जो उससे संबंधित हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर किसी भी चीज या किसी भी अवधारणा को उसके नाम से ना बोल के उससे संबंधित कोई और ऐसी वस्तु जो उससे जुड़ी हुई है उससे हम संबोधित करते हैं, वहां पे मेटोनिमी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। मेटोनिमी का एग्जाम्पल है क्राउन। क्राउन जो है वहां पे किसके लिए यूज कर सकते हैं हम? क्राउन कौन लेता है? ताज, किंग या क्वीन के लिए हम क्राउन यूज करते हैं, है ना। तो आपने क्या किया कि किंग, किंग की पावर को बताने के लिए आपने उससे रिलेटेड चीज का जिक्र किया। क्या किया आपने? उससे रिलेटेड चीज का जिक्र किया जो कि क्राउन था। तो यहाँ पे इसे मेटोनिमी कहते हैं, इन विच अ थिंग और कंसेप्ट इज नॉट कॉल्ड बाय इट्स ओन नेम। उस चीज को आप नाम से नहीं बुला रहे हो, लेकिन आप उससे संबंधित वस्तु से उसको जरूर बता रहे हो। जैसे क्राउन मुझे, मैंने बोला पावर के लिए, मैंने पावर नहीं बोला लेकिन मैंने क्राउन बोल दिया, क्योंकि क्राउन जो है वो पावर से रिलेटेड है। तो जहां रिलेटेड होता है ना वहां मेटोनिमी होता है, इतना आप ध्यान रखना। जैसे कि द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस किसके लिए? अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने यूज किया। या फिर डिश, डिश जो है वो प्लेट, एंटायर प्लेट के लिए मैंने डिश वर्ड यूज कर लिया। या फिर पेन के लिए हम रिटन वर्ड का यूज कर लेते हैं। या फिर सॉर्ड, सॉर्ड किसके लिए होता है? सॉर्ड मिलिट्री फोर्स है ना, तो उसके लिए हमने शस्त्र का यूज किया क्योंकि ये मिलिट्री फोर्स से रिलेटेड है। हॉलीवुड, यूएस सिनेमा, यूएस सिनेमा बोलने की जगह हम हॉलीवुड बोलते हैं, तो हॉलीवुड जो है उससे रिलेटेड है। या हैंड, हैंड के लिए हम हेल्प का यूज करते हैं, मतलब अगर आपको हेल्प बोलना है तो आप हैंड भी बोल सकते हो। तो ये मेटोनिमी है, जहां पर उस चीज को डायरेक्ट बोलने के बजाय उससे रिलेटेड चीजों से आप किसी वस्तु को संबोधित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कहीं ना कहीं मेटोनिमी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं मेटोनिमी से रिलेटेड है, बट इसमें जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ये है आपका सिनेक्टिकी। सिनेक्टिकी में क्या होता है कि आप किसी वर्ड या फ्रेज को एज अ पार्ट बताते हो, अगर आपको कोई होल चीज को रिप्रेजेंट करना है तो, ठीक है। सिंपल इसको हम और कर लेते हैं, जैसे देखो मेटोनिमी पहले देखते हैं। मेटोनिमी में क्या था कि आप उस चीज या अवधारणा को क्या करते हो, डायरेक्टली नाम से ना बोल के उससे रिलेटेड चीज से पुकारते हो, जैसे मैंने ये सारे एग्जाम्पल आपको बताए। तो अब यहाँ पे जो सिनेक्टिकी है इसमें क्या होता है कि अ वर्ड और फ्रेज इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल, यानी कि किसी पार्ट को यूज किया जाता है किसी होल को बताने में, और कभी कभी किसी होल को यूज किया जाता है किसी एक पार्ट को बताने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट बाय टू गोल्स, ऑस्ट्रेलिया जो है वह टू गोल्स से हार गई, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया यूज किया है पूरी टीम को, है ना।
तो आप देखोगे यहाँ पर आपने पार्ट को यूज किया है होल के लिए. ऑस्ट्रेलिया हमने यहाँ बोला, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी टीम के लिए, जैसे हम बोलते हैं इंडिया, इंडिया जो है वो पूरी टीम के लिए, वहां पे आपका सिनेक्डिकी हो जाता है. यहाँ पे मेटोनिमी में क्या था कि उसका रिलेटेड वर्ड से आप उसको कंपेयर कर रहे थे, लेकिन सिनेक्डिकी में आप क्या करते हैं, पार्ट होल चीजों से कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप उसका एक पार्ट बताते हो. जैसे व्हील्स कैन रिप्रेजेंट अ कार, अब ये कार है तो कार के अंदर ही क्या होता है, व्हील्स होता है, तो आपने कार को बताने के लिए व्हील्स का यूज किया, कार का ही तो पार्ट है ना, तो ये आपका सिनेक्डिकी हो गया. ये डिफरेंस है मेटोनिमी में और इसमें. द पुलिस कैन रिप्रेजेंट द पुलिसमैन, पुलिसमैन भी तो पुलिस में ही आ रहा है ना, तो आप देखोगे कि ये इसी का रिलेशन है, इससे अलग नहीं है. या फिर प्लास्टिक कैन रिप्रेजेंट क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक के ही होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया. कोक, कोला ड्रिंक, कोक, कोक ही तो है ना, कोला ड्रिंक कोक, इसी का पार्ट है. या फिर हायर्ड हैंड्स, वर्कर्स, हायर्ड हैंड्स मतलब जिसको आपने हायर किया है, तो वर्कर्स ही तो होते हैं जिनको हम हायर करते हैं. तो आप देखोगे सिनेक्डिकी में ना आप उसी चीज के पार्ट और होल की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर उस चीज का पार्ट और होल होना जरूरी नहीं है. जैसे क्राउन का रिलेशन पावर से नहीं बोला मैंने, पावर, पावर का पार्ट थोड़ी ना है क्राउन, ठीक है, पार्ट होल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रिलेटेड वर्ड है लेकिन यहाँ पे पार्ट होल है. तो जहां पे पार्ट होल होता है वहां पे सिनेक्डिकी होता है, ठीक है. आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. अब हम अगला फिगर ऑफ स्पीच आपका होता है एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या होता है कि ऐसी टेक्निक जहाँ पे सेवरल वर्सेस या सेवरल फ्रेजेस को ना आप सेम वर्ड से रिपीट करते हो, जहाँ पे सेम वर्ड से इनकी शुरुआत होती है, ठीक है. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एनाफोरा जिसमें शब्द क्रमिक खंडों, वाक्यांशों या वाक्यों की शुरुआत में दोहराए जाते हैं. अगर वाक्य की शुरुआत में आपके कोई फ्रेज, कोई वर्ड, कोई भी खंड है, कोई फ्रेज है, उसको दोहराया जा रहा है बार बार, वहां पे आपका आंसर क्या होता है, एनाफोरा होता है. आइए देखते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड. अब यहाँ आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, यहाँ पे किसकी रिपीटेशन हुई है, आई, ठीक है, तो ये क्या है, एनाफोरा हो गया. जहाँ पे वर्ड जो है वो बिगनिंग में रिपीट होते हैं सक्सेसिव क्लॉजेस एंड फ्रेजेस और सेंटेंसेस के लिए. जैसे मैड, मैड किंग्स. अब देखो मैड, 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 तीनों में मैड वर्ड यूज हुआ है, तो ये जो मैड, मैड, मैड है, ये आपका क्या हो गया, एनाफोरा हो गया. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस. अब यहाँ पे ये इट वॉज, इट वॉज, इट वॉज, बार बार ये जो पूरा खंड है, जो फ्रेज है, ये रिपीट हो रहा है, ये क्या है, एनाफोरा है. विद विद मैलिक टुवर्ड नन, विद charity of all, with firmness in the right. तो with का use हुआ है, यहाँ पे भी हो गया. We shall, we shall, we shall. तो ये easy है, इसको जानना, है ना? तो यहाँ पे anaphora हो गया. Alliteration इसको मत समझना, because alliteration में आपके consonants repeat हो रहे हैं, ठीक है? और assonance में आपके क्या हो रहे थे? आपके vowels repeat हो रहे थे. But anaphora में आप देखोगे, पूरा का पूरा word आपका successive टर्म्स में, क्लॉजेस में रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक ही सेम. कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों फिगर ऑफ स्पीच आपको मिल जाते हैं, वो एक्सेप्शन हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में आपका एनाफोरा भी हो, एक ही सेंटेंस में आपका एलिट्रेशन भी हो, वो एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है. सो गाइज, यहाँ पे हमने लगभग सारे फिगर ऑफ स्पीच को कवर कर लिया है. आई होप कि ये सेशन आज आपको अच्छा लगा होगा एंड बहुत फ्रूटफुल हुआ होगा आपके लिए, जो भी मैंने आप लोगों से आज डिस्कस किया. सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू, सो दैट इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियोस डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगी. एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक फॉर मी, सो प्लीज आप मुझे वो फीडबैक भी दें. आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी. ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग.